मित्रों, हमारे भारत देश में अनेकों अनेक रहस्य मिलते हैं जो हमारी कल्पना से परे है, जिसे ना तो हम जैसे इंसान समझ पाते हैं और ना ही विज्ञान उस रहस्य को सुलझा पाता है। केवल एक ही चीज है, आस्था, जिसे कुछ लोग अंधविश्वास की संज्ञा भी देते हैं, पर उस राज को केवल आस्था ही समझ पाता है। उसी राज व रहस्य में से एक है वृंदावन के निधिवन का रहस्य, जिसे आज भी कोई समझ नहीं पाया है। यहाँ कुछ रहस्य ऐसे मिलते हैं जिसे विज्ञान की भी समझ नहीं आती है। तो चलिए इसी रहस्य और आस्था का सफर जारी रखते हुए आपको ले चलते हैं वृंदावन के निधिवन की ओर, जिसे भगवान श्री कृष्ण का स्थल भी कहा जाता है। बस आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं निधिवन की ओर। मित्रों, धर्म व आस्था की नगरी वृंदावन में एक पवित्र रहस्यमयी स्थान है, जिसे निधिवन की संज्ञा भी दी गई है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंगमहल में शयन करते हैं। रंगमहल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। भगवान के शयन के लिए उनका बिस्तर लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई उस बिस्तर पर सोया हो और माखन मिश्री भी खाया हो। निधिवन लगभग 2 से 2.5 एकड़ में फैला है, जिसकी खासियत यह है कि इस वन में फैले किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे। सही वृक्षों की डालियां इस तरह से झुकी है कि आपस में एक गुत्थी जैसी प्रतीत होती है। निधिवन परिसर में संगीत सम्राट व ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंगमहल, बांके बिहारी जी का प्रकट्य स्थल, राधा रानी, बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। यहाँ के पंडे व पुजारियों के अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देख लेने वाला या तो अंधा या गूंगा भरा हो जाता है या पागल हो जाता है, ताकि वह रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। निधिवन में रात्रि के पहले प्रहर की जैसी ही शुरुआत होती है, वहाँ के सभी पशु पक्षी एवं आसपास दिखाई देने वाले बंदर इत्यादि इस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और निधिवन रात्रि 8 बजे के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। और फिर रात्रि के प्रहर जैसे जैसे शुरू होती है, वैसे वैसे वहाँ का रहस्य और साया पसरता जाता है। भगवान श्री कृष्ण राधा व गोपियों के साथ यहाँ रात्रि में रास रचाते हैं। रात्रि 8 बजे से पहले ही परिसर में बने रंगमहल को प्रतिदिन सजाया जाता है। भगवान के बिस्तर लगाए जाते हैं, उनका प्रसाद रखा जाता है, उनके लिए प्रतिदिन दातून इत्यादि भी रखे जाते हैं और रंगमहल के पट को बंद कर दिया जाता है। इस रंगमहल में कई ताला लगाया जाता है व परिसर के बाहर भी सभी को बाहर निकालकर रात्रि के समय ताला लगा दिया जाता है। लेकिन जब सुबह करीब 5:30 बजे रंगमहल का पट खोला जाता है तो लगाए गए बिस्तर पर सिलवटे होती है, प्रसाद ग्रहण किया हुआ रहता है व दातून देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई उसे चबाया हो। कहा जाता है कि यह रासलीला कोई देख नहीं पाता और जो भूलवश देख लेता है वह इस सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। और मुक्त हुए समाधियां परिसर में बनी हुई भी हैं। वहां के पुजारी व आसपास के लोग बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुथे हुए वृक्ष हैं, वही रात्रि के समय श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। यह बात वहां के गाइड, पंडे, पुजारी व आसपास के लोग बताते हैं, जिसे ना तो पूरी तरह झूठलाया जा सकता है और ना ही सर्व सत्य माना जा सकता है। इसके पीछे का सच क्या है और आप इसे क्या मानते हैं? अगर आप वहां गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य शेयर कीजिएगा। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।